हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, दैट इज़ अ सफ़ायर मेकअप ब्लश। सफ़ायर कॉस्मेटिक से मैंने परचेज़ किया है सफ़ायर ब्लश, और इसके साथ ही मैंने परचेज़ किए हैं सफ़ायर के मेकअप ब्रशेस। तो मैं इन दोनों चीज़ों का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज़ द शेड डस्टी रोज। सफ़ायर कॉस्मेटिक्स ने अपने डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उनके बारे में डिफरेंट रिव्यूज़ हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इन जो सफ़ायर प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर फॉर डेली यूज़। लाइक इनकी जो है वो लाइट टू मीडियम कवरेज होती है, तो दीज आर बेस्ट फॉर योर एवरी डे यूज़। अकॉर्डिंग टू मी एज सफ़ायर प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी लाइट टू मीडियम कवरेज होती है, तो दे आर बेस्ट फॉर डेली यूज़। लाइक इनको आप डेली वेयर में यूज़ करें तो दे आर बेस्ट फॉर दिस। सो दिस इज़ सफ़ायर कॉस्मेटिक ब्लश। आई रियली लाइक मेट ब्लशेज, क्योंकि जो छिमरी से ब्लशेज होते हैं वो आपकी स्किन के टेक्स्चर्स को बहुत प्रोमिनेंट कर देते हैं, आपके स्किन टेक्स्चर को। तो आई डू नॉट एडमायर ग्लिटरी और शाइनी ब्लशेज। आई लाइक मेट ब्लशेज मोर इन फॉर डेली रूटीन एंड एज वेल एज फॉर एनी अदर रूटीन। सो आई प्रेफर मेट ब्लशेज फॉर एवरी डे मेकअप लुक। सो दिस ब्लश बाय सफ़ायर कॉस्ट ₹990, अराउंड ₹1000 इसकी प्राइस है, और इसका जो शेड है डस्टी रोज, दिस इज एन ऑसम शेड। लाइक आई हैव माई हार्ट इन दिस शेड। सो दिस इज़ ऑयल फ्री एंड ऑयल एब्जॉर्बिंग, मीन्स ये टोटली मेड है, समर्स के लिए परफेक्ट है, और वैसे मेरी चॉइस के लिए भी ये परफेक्ट है। और बाकी इसमें आपको ₹1000 में 11.5 grams ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ इनफ, इट्स अ गुड क्वान्टिटी, और ये 18 months इसकी एक्सपायरी डेट है। सो इसको ओपन करें तो इसकी जो है वो ब्लैक शाइनी सी पैकेजिंग है, जो कि बहुत मज़े की और बहुत अच्छी लगती है। लाइक एक अच्छी प्राइसी जो ब्लश होता है, उस तरह की इसकी पैकेजिंग है, और आई लाइक दिस वन। ऊपर इसका शेड भी लिखा हुआ है, डस्टी रोज। एंड नाउ इफ़ यू ओपन इट, तो दिस इज़ द ब्लश, और इसका एक बड़ा सा मिरर इसके साथ अटैच है, और इसके अलावा This is the shade. Now look how beautiful this shade is. This is the beautiful, beautiful shade. Camera में भी almost वैसा ही आ रहा है, थोड़ा सा little bit इससे different है, almost ऐसा ही shade है, but this is peachy, not peachy, dusty pink. इसको dusty pink ही कह सकते हैं, dusty rose is best description of this shade. अब इसके कुछ pros हैं, कुछ cons हैं इस shade, इस blush के। एक तो ये कि आपको एक अच्छा से पैन में एक अच्छी क्वांटिटी इसमें अवेलेबल है, पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है, शेड ऑसम, बेस्ट शेड, शेड बहुत प्यारा है। बट इफ़ यू कैन सी कि ये इसकी इसका फॉल आउट है, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसका फॉल आउट है, और ये डस्टी सा इसका है। तो इसको जो है इट इज़ बिल्डेबल, इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अप्लाई करना है, और फिर जो है आपको ये अच्छा लुक देगा। लाइक अगर आपको ब्लशेज़ प्रॉपरली यूज़ करने आते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना है अपने चीक्स पे, और तब ये आपका अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा आपके साथ एफर्ट करनी पड़ेगी, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो ब्लश के अलावा इसका मैं आपको स्वैश दिखाती हूँ, अभी इसको मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा दूँगी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज़ द ब्लश, यू कैन सी दिस। सो ब्लश के अलावा आई हैव परचेज्ड देयर मेकअप ब्रशेज। नाउ इनके मेकअप ब्रशेज, इफ़ आई टॉक अबाउट दीज मेकअप ब्रशेज, तो इनकी दे आर लाइक सुपर अफोर्डेबल, बहुत अच्छे इनकी रीज़नेबल रेंज है, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइक मतलब अगर आप लोकल, इनकी जो प्राइस है वो लोकल जो ब्रशेज होते हैं मार्केट में उतनी प्राइस है, और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। ये इनका एक एंगल ब्रश जो है वो मैंने परचेज़ किया है, इसको मैंने यूज़ भी किया है। आप इसका देखें, इसका जो स्टिक या हैंडल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है,
प्लस इसका ब्रश जो है, दीज आर वेरी फाइन ब्रशेस, इसके बहुत सॉफ्ट ब्रशेस हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट इनसे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे, लाइक इस ब्रश की प्राइस जो है, दिस इज़ अ एंगल ब्रश और ये 290 रुपीज़ का है, और जो इनकी 25% सेल लगती है सफ़ायर वालों की यूजली, उसमें इसकी प्राइस इससे भी कम हो जाती है, शायद इसकी अराउंड 190 समथिंग इस तरह की इसकी प्राइस हो जाती है। तो ये बहुत अफोर्डेबल ब्रशेस हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई एम रियली लाइकिंग फॉर दिस प्राइस, दिस क्वालिटी, दिस इज़ बेस्ट। दिस इज़ एंगल ब्रश जो मैंने परचेज़ किया इनका। इसके अलावा ये मैंने इनका एक और ब्रश परचेज किया है, दिस इज़ पाउडर ब्रश और पाउडर ब्रश, और इसकी 490 प्राइस है, लाइक 490 इसकी नॉर्मल प्राइस है और सेल में आपको ये काफ़ी कम मिल जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा ब्रश है, ये बहुत फाइन इसके ब्रशेस हैं, बहुत देखिए कितना डेंस्ड है, इट इज़ वेरी डेंस्ड, कोई इसके वो आपके हाथों में नहीं आ रहे हैं जो इसके कोई चीज़ भी, और ये बहुत ही फाइन ब्रश है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिस ब्रश, यू कैन सी, सो दिस वन। और ये फेस ब्रशेस थे दो इनके, और दो ही मैंने इनकी आई ब्रशेस परचेज की हैं। एंड दिस इज़ द आई ब्रश, आई ब्लेंडिंग ब्रश, ये 190 रुपीज़ का है, इसकी ओरिजिनल प्राइस ही 190 रुपीज़ है, और इफ़ यू कैन सी सेम क्वालिटी है इसकी, और दिस इज अ नाइस ब्रश, यू कैन सी। एंड दिस इज आई शैडो एप्लीकेशन के लिए जो ब्रश होता है, दिस इज़ फॉर 190 रुपीज़ ऑल्सो, और आप देखें तो इट हैज़ वेरी फाइन ब्रशेस एंड वेरी फाइन, ये बहुत इसके बहुत सॉफ्ट ब्रश, इसका बहुत सॉफ्ट है इसके ब्रशेस, तो ये बहुत अप्लाइंग में बिजी होता है। लाइक इनके पास एक और ब्रश है, 5 ब्रशेज इन्होंने टोटल लॉन्च किए, एक मेरे ख्याल में एंगल ब्रश है इनका, और 5 ब्रशेज हैं टोटल, और सेम कलर में और सेम क्वालिटी में है। एंड आई एम लाइकिंग दिस प्रोडक्ट, आई लाइक वाइट मेकअप ब्रशेज, ताकि आपको पता चले आपने कितना प्रोडक्ट उनके ऊपर जो है वो लगाया है और कितना प्रोडक्ट आपने उन पर अब अपने फेस पे लगाना है। नाउ आई विल शो यू दिस ब्रश। अब एक तो आप ये चेक करें कि जब मैं इस ब्रश से लगाती हूँ तो आप देखें कि ये पैन में कितना ज़्यादा ये पाउडरी हो गया, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉप है कि ये बहुत पाउडरी हो जाता है। आई थिंक सफाई शुड वर्क ऑन दिस फार्मूला कि ये इतना डस्टी एंड इसका फॉल आउट इतना ना हो, लाइक ये। और अब आप देखिए, ओ माय गॉड, इसको मैंने ज़्यादा ही डैप डैप कर लिया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया। आप देखिए इसको मैं आपको दिखाऊँ कैसे कि ये देखिए, अब आपने इसको डायरेक्ट फेस पे नहीं यूज़ करना, आपने इसको लिटल टैप करना, देखिए अब कितनी प्रोडक्ट इसकी जो है, फिर मैं इसको बहुत हल्का सा जो है वो कर रही हूँ और इसकी कितनी प्रोडक्ट निकली। तो आपने इसको इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी, आपने ओ माय गॉड, ये इसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो है वो ड्रॉप है। अब मैं इसको स्वैच इसका एप्लीकेशन दिखाऊँगा अगर, और ब्रश की भी आपको पता चल जाएगी। और लाइक इतना आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पेल करना है, अब जैसे मैंने ये अप्लाई किया है, आपने इसको चीक्स और प्रॉफ योर चीक्स पे अप्लाई करना है। अब मैंने ये ज़्यादा अप्लाई किया है तो मुझे ये देखिए कितना डस्ट ऑफ हुआ है, तो आपने इस तरह से नहीं करना। अब मैं इसका जो थोड़ा पाउडरी सा फॉल आउट है वो हटाऊँगी, लेकिन आप ये देखिए इसका फॉल आउट बहुत ज़्यादा, दिस इज़ ब्यूटीफुल कलर। बट अगर आप लोगों को जो है ब्लशेस के साथ प्ले करना नहीं आता, लाइक यू कैन नॉट अप्लाई ब्लश इन अ गुड वे, तो आपको ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसका फॉल आउट बहुत ज़्यादा है तो ये आपसे मैनेज नहीं होगा। बट इफ़ यू आर गुड इन मैनेजिंग डिफरेंट डिफरेंट ब्लशेस, तो आपको ये प्यारा कलर अगर चाहिए, तो अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर हल्का सा लगाया है और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करूँगी, हालांकि इस पर आपको इसका टेक्स्चर कम ही पता चलेगा, बट अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा बिल्ड करूँगी तो ये इजीली बिल्ड हो जाएगा। तो अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आपने इसको यू अप्लाई करना है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना है अपने चीक्स पे। वाह, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कलर इज़।
दिस वॉज माई रिव्यू फॉर सफायर मेकअप ब्रशेज एंड द ब्लश. ब्लश का फॉलोअप बहुत ज़्यादा है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट द कलर इज रियली ऑसम, द पैकेजिंग इज ऑसम. एंड बस अब आप देख लें इसके प्रोज एंड कॉन्स. ब्रशेज आर टोटली रिकमेंडेड, बहुत प्यारे ब्रशेज हैं, बहुत अफोर्डेबल ब्रशेज हैं, बहुत अच्छी. ये मेरा दूसरा सेट है जो मैंने परचेज़ किया, इससे पहले मैंने एक सेट परचेज़ किया था. और क्योंकि आपको जब आप आई मेकअप करना होता है तो आपके लिए सिर्फ दो ब्रशेज इनफ नहीं होते, ख़ासतौर पर जब आप यू प्ले विद द कलर्स तो आपको मल्टीपल ब्रशेज चाहिए होते हैं. तो और मैं यही प्लान कर रही हूँ कि मैं इनके दो सेट्स और भी परचेज़ करूँगी ताकि मेकअप करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. दीज आर वेरी गुड फॉर एवरी डे यूज ब्रशेज. सो दिस वॉज माई रिव्यू फॉर दीज प्रोडक्ट्स. आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा. तो कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग मी. सो दिस वॉज माई रिव्यू फ्रॉम माई साइड. Thank you and Allah Hafiz. Bye.